सर, मेरा नाम करणजीत सिंह है। करमजी जी, क्या गलबात है घर? सर, मैं एक काम पे जाता हूँ, तो जैसे मैं काम काम से आया घर पे, तो देखा तो जो लॉबी का दरवाज़ा था वो खुल गया था, जी खुला हुआ था। तो जैसे अंदर गया तो सब कुछ बिखरा पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो जैसे मैं अंदर गया तो भाई का जो कमरा है, जी तो वहाँ पे अलमारी जो थी वो टूटी पड़ी थी, मतलब कि सामान बिखरा था, पर्स वगैरह सब खुले हुए थे। क्या कुछ तो चोरी हुई है आपके घर में? जो चोरी हुई, एक मिररलेस कैमरा है जो कि 54,000 का, आई थिंक उसकी एस्टिमेट प्राइस है। जी तो मेरा लैपटॉप था, उसमें म्यूज़िक सॉफ्टवेयर था, जी कम से कम वो म्यूज़िक सॉफ्टवेयर 27,000 का था, जी और लैपटॉप अलग से वो 40,000 का है। जी तो एक बहुत बड़ी चोरी हुई हमारे घर, तो हम सेफ नहीं हैं। अगर दिन में ऐसा हो रहा है तो समझ लो रात को क्या हो सकता है। सो मैं प्रशासन से यही गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द जो हमारे घर वारदात हुई है इसका हल निकाला जाए। बस सर, मेरा नाम जगजीत सिंह है। जल्दी से, क्या वारदात हुई पूरी? सर, बात इस प्रकार से हुई कि सर, हम कल आरसपुरा अपने गए थे, कुछ काम था हमें तहसील में, उससे रिलेटेड हम यहाँ से आरसपुरा जाते हैं कोई 1-1 बजे के तकरीबन। तो सर, गर्मी उस टाइम कोई नहीं था। तो जैसे हम सर 4 बजे कोई वापस आते हैं, तो सर मेरा छोटा भाई है जो काम पे जाता है सर, जी तो जैसे ही वो पहले वापस आया तो हम बस इधर रास्ते में ही थे, तो इसने हमें फोन किया कि सर कि घर में चोरी हो चुकी है। जैसे ही देखा सारा सामान बिखरा पड़ा सर, जो भी हमारी लॉबी है वहां पर भी अच्छी तरह से छानबीन हुई थी, और जी उसके अलावा सर जो मेरी अलमीरा है वो भी तोड़ के चोर जो है भाग गए, मतलब सारा सामान लेके। और लैपटॉप था सर, लैपटॉप 40,000 के तकरीब, वो भी लैपटॉप एचपी राइजन, वो भी सर लेके चले गए। उसके अलावा सर एक कैमरा था कैनन EOS M200 सर, जी वो उसकी कीमत लगभग कुछ 54,000 के तकरीब सर वो लेके चले गए। तो उसके अलावा सर 2 तोले कोई लगभग सोना था, और 35,000 कैश था जो कि मेरी वाइफ के पर्स में पड़ा था, और वाइफ का पर्स भी उन्होंने तोड़ा हुआ है सर, तोड़ के मतलब उसमें से कैश निकाल के ले गए। तो सर आपने? जी सर, FIR सर हमने कल गंग्याल थाने में जाके सर FIR करवाई है, और उन्होंने प्रशासन ने हमें फिलहाल कहा है कि हम चोरों को पकड़ेंगे। तो हम भी सर कोशिश कर रहे हैं, हम भी प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि सर आज अगर दिन दिहाड़े सर दोपहर के समय सर अगर चोरियां होने लग पड़ी तो रात को इंसान कहाँ सुरक्षित रहेगा सर। आज हमारी बहू बेटियां सर घर में रहती हैं सर, और हमें काम पे जाना पड़ता है, कल को कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा काम, कोई ऐसी वारदात घट जाए सर जिससे हम कोई और बड़ी वारदात घट सकती है सर, इसलिए सर हम प्रशासन यही गुहार लगाते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान करें, ऐसे चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जो हमारी मेहनत की कमाई सर लेकर